नहीं होगी, टिश्यू होगी, मैंने पूरा टिश्यू कहीं उठा के रखा है, मिल ही नहीं रहा, पन्नी उठा के ही रखी हूँ। हाँ रमता, कितना चाय? ठीक है, हाँ 5 मिनट में आ जाओ। क्योंकि मैं छोटी शहर की झारखंड की हूँ, मुझे दिल्ली के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। लेदर की फैक्ट्री थी 90, उसमें लगी थी मैं, वहाँ मैं धागा काटते थे 90 में। तो वहाँ से ठेकेदार से कुछ बहस हो गई थी, बहस क्या, उसने मुझे बहुत टॉर्चर कर दिया था। उन लोगों ने कुछ बात बोला, मैंने मना कर दिया था, तो इस वजह से उन लोगों ने पेंसिल से मुझे मार दिया था जंग पे मेरी, तो सारी पेंसिल के नोक घुस गई थी, ब्लड आ गया था। कि बाहर जब निकलूँगी तभी तो पता चलेगा कि दुनिया कैसा है, फिर मैं जाऊँगी तभी तो मेरा हिम्मत बढ़ेगा। तो 10-15 दिन हो गए घूमते घूमते। कहीं उड़ीसा से है कि हम लोग, कहीं उड़ीसा से, कहीं बिहार से, एमपी से, इतना दूर दूर से आ रही हूँ पैसा ही। यहाँ ठेकेदार आते ऐसे, आप जैसे धुंध दिख रही हो आप वैसे, हमें ले जाओ का तो मुझे ले जाओ का तो मुझे, जो जिसका नंबर लग गया वो चली जाती है। कभी कढ़ाई होता तो कढ़ाई के डिजाइन काटना पड़ता है, कभी डिजाइन भी धागा काटना पड़ता है। 1 बजे लेंस के लेंस होता है, आधा घंटे का लेंस, उसके बाद और धागा का बात क्या होता है ना, ज़्यादा घंटा काम कराते हैं और पैसे बहुत कम देते हैं, बातें होता है। जब 250 रुपये में उनका काम हो रहा है, 10-12 हज़ार रुपये क्यों देगी वो? लेडीज़ को भी दिक्कत है, आराम से काम करने नहीं देता है, सारा दिन डांटते रहेगा बोलते रहेगा, कितना काम करो डांटते रहेगा। काटा बुढ़ियन के नाल ले कंपनी वाला, खाली लड़की लगे उठ ला लिया लेके ले जाता है, ले जाना है ड्यूटी पर, सबको ले जाओ, लड़की के ले जाओ, बुढ़िया के ले जाओ, सब काम करते। मैं सुपरवाइजर से ऐसे से कराऊंगी तो मैं रखूंगी, उसके से मैं प्यार करेगी तो रखूंगी, ना तो नहीं रखूंगी, निकल दिया, मैं कौन प्यार करेगा? ये कौन मतलब हुआ? मैं काम करने आई हूँ कि मैं ये गलत काम करने आई हूँ? तो ठेकेदार जो है बहुत चोर है, लेडीज सब काम करवा लेता है ठेकेदार सब, अब पैसा देने टाइम में वो अपने भाग जाता है, अब लेडीज खोजते रहती हैं ठेकेदार, ठेकेदार मिलता है नहीं मिलता है। While doing my field work, I realized that if educated people like me were not getting answers from the labor department or other government departments, what chance did the workers have, in particular the garment sector workers? I think most surveys will show you that 70-80% of the workers don't have employment contracts. So when you look at the axes of vulnerabilities, so gender is definitely there, that the way that a supervisor will yell at a female
worker is not the same as he would address himself to a male worker. And also remember that the recruiting systems, at least in North Indian garment industry, continues to be kinship based in some shape or form. That most workers have found work or have come all the way from home states to Gurgaon because they knew someone here, someone who was working in the garment industry, who could introduce them to their contractor or take them around the Udyog Vihar or Ramanesar and show them how to look for vacancy signs, etc., etc. Then, whether the woman is coming from landless or landed family background, if they know that she's a single woman, doesn't have anybody to rely on, or her husband is a drunkard, doesn't work, and the household runs on her income, then they will try to approach her for sexual favors more than they will for someone who has more social connections and more social capital. बहुत अच्छी माल लाए सब बोलते हैं कपड़े बहुत अच्छे पहने जो थोड़ा हल्का कपड़ा हम लोग ऐसे पहन के जाएंगे रंजित कबारी मास्टर नहीं रहता है मास्टर रहता है सुपरवाइजर रहता है पता नहीं कौन कौन बोलता था उल्टा पुल्टा ये तो गाती बांध के रहेगी साड़ी को या चुन्नी को तो ये क्या काम कर पाएगी इसको कौन लेके आया तो पूजा की मम्मी को गाली भी दे देता था बहन चो क्यों लेके आई है ऐसी लेडीज को मेरा कारण यही था वो मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे तो उन्हीं के चक्कर में मेरे ससुर लेके आए उनके पास मेरे को छोड़ के गए कि यहाँ रहेगी तो छोड़ दे पीना उना तो तभी से हम यहीं पे रहने लगे इंचार्ज है तो जो अच्छी लेडी से उससे बोल रहे चल रहे हंस रहे बोल रहे उसके लिए बढ़िया है जो नहीं उसके फेवरेट में नहीं आ रहे उसको गाली दे रहा है बात कर रहा है गेट पास बना दे रहा है जाओ तुम्हारे लिए काम नहीं है और फेवरेट में आने के लिए क्या करना पड़ता है उसको बहुत कुछ करना पड़ता है वो ले जाएगा कुछ खिलाएगा पिलाएगा उसको अच्छा अच्छा घुमाएगा फिर आएगा तो गाली बात उसको नहीं देगा उसको नहीं डांटेगा नहीं बोलेगा फिर ऐसे कभी धागा कटिंग कभी कुछ कभी कुछ काम करवाता था करती थी मैं करी 5-6 महीना तक उसके बाद मतलब 2 महीने के पैसे लेके भाग गया दिया नहीं कौन ठेकेदार हाँ मेरा हो गया 15-16 साल यहाँ मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं ना शराबी हैं तुम लोग मेरे को थोड़ा अलग देखते हैं तो इसके वजह से नहीं पूछते हैं मुझे तुम्हारे साथ कौन कौन है बच्चे हैं कितने 3 गांव जाओगी तो उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा अब मैं ये सोचती हूँ बच्चे लेके जाएंगे गांव में तो मान ली अपना फैमिली सही नहीं है तो फिर दूसरे के सहारा पे क्या जाना है अभी के डेट में तो अपने हाथ में है तो बहुत कुछ है नहीं है तो नहीं है फिर दूसरे के मुंह ताकेगा बच्चे ताकेगा मैं ताकूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा कितने बड़े बच्चे तेरे बच्चे मेरा है सब बड़ी वाली हो गई है 18 साल की होने वाली है और छोटी वाली 14 साल की है 16 साल की है और लड़का है 15 साल का तुम्हें लगता है कि जब से तुमने काम शुरू किया से अब 13 साल हो गए हैं तो तुम्हारी कुछ तरक्की हो पाई या उतना ही मुश्किल है अब भी नहीं मैम नहीं तरक्की हो पाई अब इन बच्चे ही सबको पाल रहे हैं आदमी है तब पीने खाने वाला है कभी पिए खाइए में लुटा दिया कभी बच्चे है उसको पढ़ाई में उसके पढ़ाई में इनमें उसी में एक लड़की के शादी भी करी यही सब
अभी परेशानी चल रहा है। तो पांच बच्चे के पालने में कोई खेत ना बारी नीमन ना बा, सारा टोटल अपना किन के खिलाना पिलाना मुश्किल होता है ना। और काम छोड़ने के बाद फिर तो फैब्रिकेटर एक ही था उस टाइम में कापासरा के अंदर बेसमेंट में, तो फिर से लगे तो करते रहे। फिर जब हमारा घर में सिलाई आ जाता था, हम घर पे भी सिलाई करते थे तो हम बाहर का काम में नहीं जाते थे। जैसे कोई त्यौहार है तो खूब सिलाई आया, करवा चौथ है तो खूब सिलाई आया, आ जब नहीं रहता था तो चले जाते थे अपना किसी तरह, बच्चे लोग को तो पोसना था। पैसे करते करते मैं नहीं गई, कुछ पैसे हो गए 900 रुपये मेरे पास हुआ तो हमने दुकान लगा लिए, छोटा मोटा पहले लगाए दुकान, उसके बाद अपना उसी में से बेच बेच तो और माल ले आके डाल लिए और अपना बेचने लगे उसी टाइम से। आज फिर से हम वही सब चीजें बात करेंगे और इस बार मैं कम बोलूंगी और आपको ज्यादा बोलना है, ठीक है? सरकार कानून बनाई है, लॉ बनाई है, फिर भी उन लॉ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। लोगों को जैसे तैसे यहाँ पे मतलब यूज किया जा रहा है, उनको उपयोग किया जा रहा है, तो थोड़ा सा मन में अब एक लहर उठी कि नहीं कुछ इस चीज़ को लेकर के करना चाहिए। हमेशा से मेरे मन में रहा कि कोई ऐसा प्लेटफार्म मिले जहाँ पे मैं लोगों के साथ काम कर सकूँ, उनके बीच में बैठ सकूँ, उनसे बातें कर सकूँ, या जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उसमें जो भी थोड़ा बहुत मेरे से मदद हो पाए वो मैं कर सकूँ, और वो शायद दिल्ली आने के बाद मुझे मिला। कि दसवीं से ही मैं अपने मतलब वहाँ पे गांव में ही जो मेरे कम्युनिटी में बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे थे लोग, तो दसवीं क्लास से ही मैं वहाँ पे अपने आसपास के लोगों को ट्यूशन देने लगा। फिर यहाँ पे मुझे एज ए ऑर्गेनाइज़र गारमेंट सेक्टर के लोगों के साथ काम करना था, फील्ड ऑर्गेनाइज़र। मैं तो दिल्ली से पहले से ही रह रही हूँ, 5 साल हो गया यहाँ रह। मैं यहाँ बच्चे के इलाज के लिए आई थी, फिर मैं मतलब घर पर रहते रहते मेरा मन मतलब वो हो गया, बार बार वही बातें सोचती थी बच्चे के बारे में हर बार, तो मेरे फैमिली बोले कि यहाँ रहेगी तो ज़्यादा सोचेगी, इसलिए तो मैं बोली कि मैं सिलाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोली कि मैं मतलब यहाँ जानती थी कि यहाँ होता है, मैं बोली कि मुझे वहाँ नाम लिखवा दीजिए मैं वहाँ सिलाई करूँगी। और तुम्हारे आदमी क्या काम करते हैं? वो हेल्कर कंपनी में काम करते हैं, ऑपरेटर का। वो भी गारमेंट है? हाँ। यहाँ जब मैं आई तो बहुत गुस्सा हो गए, 10 दिन तो बोले नहीं उसे, पर दीदी मेरे साथ दी, मेरी मम्मी ने फ़ोन किया तो वो भी साथ दी, पापा भी सारे मतलब यहाँ के मेरे ससुराल वाले सारे फैमिली खुश थे, पर वो बोलते थे कि नहीं नहीं जाना है, वहाँ लोग गलत रहते हैं। फिर मैं बोली कि नहीं मैं जाऊँगी, इस बात के लिए मैं आपका बात नहीं मानूँगी। सारी मशीन आती है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच, एज कटर है, डबल नीडल वाली है,
जैसे पॉकेट बनाना होता है सारे पॉकेट बनाना जानती हूँ, टी शर्ट बनाना जानती हूँ, जैसे शॉर्ट बनाना जानती हूँ। मैं पहले से सिलाई जानती थी, अगर मुझे कोई चीज़ बनाना होता है तो मैं यूट्यूब से भी देखकर बना लेती हूँ। मुझे दो चीज़ का शौक बहुत है, मैं खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो भी मैं देखती हूँ, और सिलाई का मुझे बहुत शौक था तो वो भी मुझे करना अच्छा लगता है। और यहाँ भी और कितने महीने की ट्रेनिंग बची है? हम लोग का 10 दिन का है ट्रेनिंग, 10 दिन का है, 10 दिन और होगा। उसके बाद कंपनी में जाएंगे। दस दस घंटा खड़ा होकर लेडीज काम करते हैं, जरा 5 मिनट बैठ जाएंगे, 2 मिनट बैठेंगे पानी पीने के लिए तो क्यों बैठा, तो पानी पी रहे हैं तो खड़े होकर पी लो पानी, ऐसे कहता है कोई कोई कंपनी में। कोई 250 में जाता है, शायद में कोई है तो 330 रुपया में जाता है। तो एक दिन 330 मिल रहा है, एक दिन 220 मिल रहा है, ये फर्क क्यों है? अब नहीं काम मिलता है तो क्या करेगा, कहता है चलो 220 रुपया कमा लेते हैं, लेकिन काम वही रहता है। हाँ, एक बार हम लोग नारी शक्ति से जुलूस निकाले, तो जुलूस निकाले ना तो 300 रुपया रेट कर दिया था, 3 दिन कर दिया, उसके बाद में फिर 280 पर ला दिया, और उसके बाद फिर 250 पर ला दिया। आपने कोशिश करी कि आपको भी नौकरी मिल जाए? तो हमारे आधार कार्ड मेरा देखता है तो कहता है आपका नहीं, सैलरी से नहीं होगा। क्यों, आपका आधार कार्ड में ऐसा क्या है? उम्र ज़्यादा है, कहता है कंपनी 40 का होगा उसका नहीं लेना है, 35 तक के लेगा। लेकिन अभी देख रहे हैं कि सारा आदमी बदल गया, जब जुलूस निकाले कि 4 दिन अगर काम नहीं होगा कंपनी में तो बहुत ज़्यादा घाटा और नुकसानी होगा, तो इसलिए हम बोले कि 4-5 रोज भूखा रह जाओ, कम खाओ, लेकिन सब आदमी हड़ताल लगाओ। ना लगाया कोई, कोई इधर से चोरी करके चल जाता था, कोई उधर से चोरी करके चली जाती थी, तो क्या करें, काम तो निकल गया कंपनी के, और नहीं जाने वाला नहीं किया। सच बताऊं तो मैं भी उतना नहीं जानता कि ये एक लेबर राइट्स होता है, और इस तरह से लोग दिक्कतें सह करके लोग अपने घर में पैसा भेजते हैं। लगता था गांव में कि जो दिल्ली से आते हैं अच्छे खासे कपड़े पहन करके बहुत मतलब मज़े में काम करते होंगे और सब कुछ ठीक ठाक होता होगा, बट यहां आने के बाद में देखा कि जो गारमेंट सेक्टर या अन्य सेक्टरों में यहाँ पे दिल्ली में काम कर रहे हैं लोग, तो वो कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। Women told us that the younger women who are better looking or who dress up and do makeup or and use lipstick are preferred regardless of their skill levels. And the workers will, male workers or supervisors will say, oh, we'll make sure that the production is taken care of, but you know, send us something that we also need to have some fun. उसके बाद मैंने 446 परल में किया था काम। उन्होंने भी बहुत बदतमीजी किया था मैनेजर ने। एक दिन मुझे बुलाया, संडे का दिन था, बुलाया उसने केबिन में, तो बोला मैडम किसी बात को आपका दिक्कत हो ये, और उसकी आदत है कि बात करेगा तो आपको टच कर के बात करेगा, तो इस बात से मुझे खुंदक आ गई थी। उस समय मैं
यही नारी शक्ति मंच में ज्वाइनिंग किए थे। 3 साल हुए थे मुझे आए हुए दिल्ली। तो फिर मैंने इन लोगों को सबको बताया, फिर मैंने मीडिया को बुलाई। मुझे ही नहीं, हर लेडीज़ों को केबिन में बुलाते, जो अगर उसके लायक मिल गई, अगर वो हाँ भर दी, तो भाई उसका तो 10 साल 12 साल वो उसमें ड्यूटी कर सकती है। वो अच्छा तनख्वाह भी उठा रही है, कमा भी रही है। पर सिर्फ जब मैं निकाल दी गई तो मैं 417 महारानी कंपनी में लगी। जब महारानी कंपनी में लगी तो 2 मास्टर थे, वो दोनों ने शर्त रखा था कि मैं इस मैडम को पटाके दिखाऊंगा। तो मैडम मेरे पास एक फ़ोन है, आप नंबर ले लो, सिम भी दे रहा हूँ, अब मुझे अपनी फ़ोन करना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और हर रात का मैं 5,000 दूंगा। The Sexual Harassment Act is under the Ministry of Women and Child Development and the IC and the LC, all of that is to be monitored by the Ministry of Women and Child Development. The woman who's been harassed and thrown out, because victimized and thrown out, she goes to the Labor Department to say, and this has happened in front of one of our researchers, to say that I was complaining about my sexual harassment and then I was victimized. And the Labor Department official told her that sexual harassment is not part of industrial relations. It's not my mandate to file that complaint. You have to go to the local complaints committee and they will take care of it. So that falls in another ministry. And if you want to raise a industrial dispute about retrenchment, about termination, then you can file your complaint here. यौन उत्पीड़न के ऊपर जब बात होती थी उनके साथ में, तो शब्द उनके लिए नए थे। इसका मायने क्या है, ये किस लिए बना है, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था इसके बारे में। और जब हम कंप्लेन की भी बात करते थे तो उनको कहीं ना कहीं डर होता था कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, काम भी छूटेगा, फिर समाज में हमारा कुछ रह नहीं जाएगा इज्जत। जस्ट बिलीव दैट द वुमन इज शी इज अ लूज कैरेक्टर, शी इज लाइंग, शी इज आउट टू एक्सटॉर्ट मनी। एंड वी हर्ड थिंग्स लाइक इफ ही वॉज रियली द परपेट्रेटर, ही कुडंट लुक हर इन द आई एंड टॉक टू हर। द फैक्ट दैट ही वॉज एबल टू लुक हर इन द आई एंड टॉक टू हर मीन्स दैट ही is telling the truth and she is lying. Look at the way she's dressed. This is a legal member of the on the local complaints committee. Look at the way she's dressed. तो हमने कई सारी कंपनियों का एक RTI भेजा था, तो उसमें मुश्किल से 8 से 10 कंपनियों का आया था कि इसमें ICC बना हुआ है, लेकिन उस ICC के जो मेंबर हैं उनका ना तो आज तक कोई नंबर मिला, ना ही नाम मिला कि कितने मेंबर हैं, कौन है वो। कुछ लोगों, कुछ कंपनियों का पता भी चला तो उसमें वही लोग हैं जो मैनेजमेंट के लोग हैं। तो अगर महिला अपना केस आगे ले जाना भी चाहे तो नहीं ले जा सकती है। इफ इनडीड इट इज सो egregious एंड देयर इज इनफ quote unquote evidence in the sense that someone saw it, a supervisor saw it, it was captured on the CCTV camera or something like that, or she's created enough hangama about it on the shop floor and the worker and the perpetrator is thrown out, what happens then is that the friends of the perpetrator, which are fellow supervisors and managers and master tailors, will harass her and victimize her. उन लोगों ने मुझे मारने के लिए हर मोड़ पे हर जगह ढूंढते थे। मैं जहाँ फैब्रिकेटर में काम करूँ, कहीं भी करूँ, वहाँ पहुँच जाते थे पता करने कि हाँ नविता है कि नहीं है। उन्होंने अपने एक मास्टर है, उन्होंने 50,000 रुपया दे के मेरी फ्रेंड के घर पे भेजा, क्योंकि वो तो मेरे घर देखा नहीं था, तो 50,000 दे के भेजा, बोला नविता को बोल दो एक बार मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ये केस वापस ले ले। मैंने मना कर दिया। फिर कमलेश राय ने खुद 1.5 लाख रुपया ले कर आया, बोला 1.5 लाख रुपया ले लो। और उसने ये भी बोला कि मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगा, तुम्हें आज के बाद कुछ बोलूंगा भी नहीं, ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, तुम काम करो चाहे ना करो। वो सहेली बड़ी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए।
that friend on the, from the shop floor, or the friend who helped her get the job in the factory, the one that she walks home with or takes the auto back with, that is a primary support structure for them. इनको सहारे में, उनको सहारे में, इंसान के सहारे से सहारे आदमी सहारा दे पाते हैं। एक लक्कर को तोड़ेंगे तो एक बार में टूट जाएगा, 10 लक्कर को एक जगह रख के तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। तो 10 आदमी साथ देना नहीं चाहता है, क्या करें? कोई साथ देगा तब तो बढ़ेगा आगे। वहाँ का व्यवहार सुधरना चाहिए, नेचर सुधरना चाहिए। मास्टर हो चाहे मैनेजर हो चाहे जीएम, उन लोगों को भी जेंट्स का ही दर्जा लेडीज़ को देना चाहिए। उन लोगों को हिम्मत बढ़ाना चाहिए कि तुम 10 लेडीज़ होके 100 मर्दों के बीच में अकेले काम कर रही हो, कि लेडीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो फैमिली को, कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ये ना कि तुम्हारे ऊपर और बात को पतंगड़ करें, तुम्हें ही डांटे, तुम्हें ही दोषी माने, ये ना होना चाहिए। बाहर जब निकलूंगी तभी तो पता चलेगा कि दुनिया कैसा है। जब बाहर जाऊंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बाहर के लोग कैसे रहते हैं। अगर मैं बाहर तो कभी गई नहीं, फिर मैं जाऊंगी तभी तो मेरा हिम्मत बढ़ेगा।